डाला है। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ना, आपने देख ही लिया पीछे धमाका ना, तो यार इतनी जबरदस्त, मतलब हिमाचल में वन सिंगल आप बोल सकते हो हिमाचल में, अगर कि मे बी यार किसी और के पास भी ऐसे किसी ने बना के रखी हो, लेकिन ये भी यार धासु है। अभी इसकी सारी मॉडिफिकेशन एक एक करके बताऊंगा ना, और इसकी पूरे सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा। बाकी चीज देख सकते हो यार, आपने कतल बना रखी है। कतल मेरे दोस्त की गाड़ी है, दोस्तों यार गाड़ी का ओनर तो अभी दोस्त अवेलेबल है नहीं यार, लेकिन उसका छोटा भाई है, तो इसी से पूछ लेते हैं गाड़ी में क्या क्या करवा रखा है। तो स्टार्टिंग फ्रंट से करेंगे, तो फ्रंट आप देख रहे हो यार इतना तगड़ा बम्पर लगा रखा भाई ने। तो यार भाई ये बताओ, ये बम्पर कहाँ कैसे लगाया, कहाँ से मंगवाया ये? भाई ये बम्पर मंगवाया हुआ है बेंगलोर से। अच्छा, बेंगलोर से मंगा रखा है बम्पर जी। और बाकी यार ये तो सिर्फ लुक के लिए। अच्छा, लुक के लिए आजकल यार ये बहुत डिजाइन चल रहा है बाइक में, गाड़ी में ना, और इससे बहुत तगड़ी लुक आती है। अच्छा भाई, आप बता रहे थे इसको दो बार पेंट करवाया है फिनिशिंग के लिए। हाँ जी भाई, दो बार पेंट करवाया है फिनिशिंग के लिए। फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि इसका कलर थोड़ा मतलब मैच नहीं हुआ। अच्छा, सेकंड टाइम करवाया तो आप देख सकते पूरी बिल्कुल अभी तो यार पूरी तगड़ी फिनिशिंग। दो बार पेंट कराने के बाद इसको फिनिशिंग आई। ये ऐसे ही आया था, विदाउट पेंट आया था बेंगलोर से जब आया था। बाकी भाई ने ये लाइट का सेटअप लगा रखा है, इसमें ये लाइट नहीं थी, ये नई i20 पे ऐसी लाइट आती है। तो भाई ने ये तो इसमें प्रोजेक्टर है, DRL, ये नई पूरी लाइट सेटअप चेंज करवाया था इसने। और ये DRL लगा रखे हैं, स्प्लिटर भी लगा रखा हुआ है। अच्छा, ये नीचे आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो प्लेट है ना, इतनी जबरदस्त पूरी ये रेसिंग कार वाली फील देती है स्प्लिटर, तो ये भी भाई ने लगा रखा है। ये भी पेंट किया हुआ है? नहीं, ये ऐसे ही आता है, ये तो ऐसे ही आता है। बाकी साइड पे DRL लगा रखी है व्हाइट कलर की। अच्छा यार, ये क्या नट, ये इसके साथ अटैच किया हुआ है क्या? इसके सेफ्टी के लिए, मतलब जो बम्पर मतलब खतरा रहता है नेट वोल्ट के लिए ना। अच्छा, अच्छा मतलब फास्टली मतलब रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों ये मतलब वही यार, इसमें ना कोई नट बोल्ट वाला सिस्टम नहीं किया हुआ, ये सिंपल ये अटैचमेंट यहाँ पे दिया है, इससे इसी पे सपोर्ट रहती है, और कोई फालतू इसमें नट वगैरह वाला सिस्टम नहीं है। तो देखने में बहुत धासु लग रही है। तो बाकी यार अगर इधर से मैं आपको दिखाऊँ, तो अगर तो भाई ने यहाँ पे एलोय व्हील दिखाते हैं यार आपको ना, एलोय व्हील भी भाई ने जबरदस्त लगा रखे हैं। तो ये 16 इंच के है ना भाई? Yes, तो ये इसमें 16 इंच के एलोय व्हील लगा रखे हैं, और टायर भी इसमें थोड़ा सा ना चौड़ा डाल रखा है, ताकि गाड़ी की हाइट के लिए। हाँ, क्योंकि मेरी बात हुई थी, उसने कहा यार गाड़ी की ना हाइट, उसका खतरा रहता है नीचे ना टच हो जाए, इसीलिए इसमें जो टायर है थोड़े से बड़े डलवा रखे हैं, ताकि उससे गाड़ी की हाइट थोड़ी सी बनी हुई है। गाड़ी का इसका मैं साइज बता देता हूँ, ये है 205/55R16, ठीक है, 205/55R16 इसका टायर साइज है। दोस्तों यार यहाँ पे देख सकते हो आप, साइड स्कर्टिंग लगा रखी है भाई ने, और इससे भी यार बहुत तगड़ी लुक आती है गाड़ी को, पूरी रेसिंग वाली लुक आती है। बाकी यार यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे भाई ने बताया कि यहाँ पे ना इसमें फिलिंग करवा के पेंट करवाया है। लोग क्या करते हैं, इसको ना सीधा अटैच कर देते हैं, चिपका देते हैं, लेकिन भाई ने यहाँ पे पूरी फिलिंग करवाई है पुट्टी से, उसके बाद यहाँ पे पूरा इसको पेंट वर्क करके ना पूरा बॉडी मैच कर दिया, मतलब बिल्कुल बॉडी की जैसे ही मैच लगता है। बाकी दोस्तों अगर आप पीछे की तरफ आओगे ना, बाकी ये ड्यूल टोन कार थी, इसमें ना छत ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी भाई को, क्योंकि ड्यूल टोन कार थी ये, तो ये ऑटोमेटिक मॉडिफिकेशन इसमें हुई थी। बाकी इसमें ना बैक लाइट भी चेंज कर रखी है भाई ने, अगर आप यहाँ पे आएंगे ये बैक लाइट पूरी चेंज कर रखी है। ये मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करके आपको सारी लाइटिंग दिखाऊंगा। ये देख रहे हो पूरा इसमें डल ब्लैक वो रखा है, और अंदर से पूरा इसमें LED लाइट्स है, बहुत बढ़िया लाइट है, पूरी कस्टम है। और यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ लगा रखा है डिफ्यूज़र, ये भी यार गाड़ी को मतलब चार चांद लगाता है, पीछे से भी गाड़ी को देखो इतनी बढ़िया गाड़ी लगती है ना, तो ये भी डिफ्यूज़र बहुत बढ़िया इसको कर रखा है। एक और चीज़ है, ये देख रहे हो आप साइड मिरर है ना, इस पर ये हाइड्रो डिपिंग करवा रखी है, ये भी भाई ने खुद करी है हाइड्रो डिपिंग, इससे भी यार पूरा ना जैसे कार्बन फाइबर होता है ना, वही वाली लुक आ रही है, पूरी जबरदस्त लग रही है। दोस्तों अगर अंदर की बात करूँ ना, अंदर भाई ने बिल्कुल सिंपल एंड सोवर गाड़ी रखी है, और यार सिंपल गाड़ी जस्ती है, सिंपल सीट कवर, लेदर के सीट कवर बहुत बढ़िया भाई ने लगा रखे हैं ब्लैक कलर के, और ये देख रहे हो ड्रीम कैचर लगा रखा है, कितना बढ़िया लग रहा है। और यार सबसे मस्त चीज़ भाई ने सिंपल मॉडिफिकेशन, ये देख रहे हो स्कल यहाँ पे गियर लेवर पे, ये जो स्कल है ना इतना सही लग रहा है ना, कसम से इतनी तगड़ी लुक आ रही है। बाकी गाड़ी अंदर से बिल्कुल सिंपल है और इतनी प्यारी लग रही है ना। तो दोस्तों अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको लाइट्स दिखाता हूँ, और इसका हॉर्न भी भाई ने थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा दूसरा हॉर्न लगा रखा है, शायद आपको पसंद आए तो वो भी आपको सुनाते हैं। और ये देख रहे हो अभी ब्रेक दबा रखी है भाई, इंडिकेटर देना, इंडिकेटर से देखना दोस्तों, ये देख रहे हो इंडिकेटर पे ऐसा टर्न, कितना बढ़िया लग रहा है एकदम।
और रात को तो और जबरदस्त लगता है ये। बाकी दोस्तों एक और चीज बता दूं, मेरा दोस्त है, इसने इसी चीज को यार अपना प्रोफेशन भी बना चुका है। तो अगर आपको अपनी कोई गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, उसको मॉडिफाई करना है, उसके बम्पर्स हो गए, इंटीरियर हो गया, कुछ भी मॉडिफाई करना है ना, तो आप मेरे दोस्त को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। प्लस अपनी डिटेलिंग और जो अपनी कोटिंग वगैरह आजकल गाड़ी में होती है, जिसे डस्ट प्रूफ वगैरह रहती है, स्क्रैच प्रूफ रहता है पेंट, वो भी इसने शुरू कर दिया है। तो डिटेल स्क्रीन में सारी डिटेल आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, आप इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसका जो काम है ना, इतना सफाई का है ना कि यार इसका नाम यहाँ पे चलता है। दोस्तों यार गाड़ी की एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये भी गाड़ी का ही पार्ट है, ये भी गाड़ी में एक मॉडिफिकेशन है। कभी कभी होता है ना रास्ते में कोई किसी को कुछ पंगा वंगा हो जाए, तो उनकी मॉडिफिकेशन करने के लिए भी ये चीज़ है। तो दोस्तों होप करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो यार एक लाइक ज़रूर देना। और दोस्तों ऐसे ही किसी तगड़ी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल। दोस्तों चल रही है यार गाड़ी में थोड़ी सी मस्ती, गाड़ी में थोड़ी सी रोंडी शोंडी मार रहे हैं और भाई अपने चला रहे हैं, और पीछे भी देख सकते हो आप जनता पार्टी बैठी हुई है। और बस यहीं से यार थोड़ा सा इसमें घूमेंगे, गाने वाने सुन रहे हैं और उसके बाद निकल जाएंगे वापस।